Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGCNET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGCNET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digiimento.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best, please enjoy the video. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग के मैप स्टडी कर रहे थे और के मैप में हम लोगों ने एसओपी फॉर्म स्टडी कर लिया था, ठीक है, और बेसिक्स देख लिया था हम लोगों ने के मैप का, और हमने फाइव वेरिएबल के मैप का भी बेसिक देख लिया था। आज की क्लास में के मैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज प्राइम इम्प्लिकेंट। तो अभी मैं एसओपी फॉर्म को ही फॉलो करूंगा, तो प्राइम इम्प्लिकेंट हम लोग स्टडी करेंगे आज की क्लास में। सो प्राइम इम्प्लिकेंट हमारे होते क्या है बेसिकली, देखो लास्ट क्लास में जो हमने के मैप स्टडी किया था, तो जो हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वन को जो हम इनसर्कल करते हैं, तो हर एक सर्कल के करस्पॉन्डिंग हमें एक टर्म मिलता है जिसे हम प्राइम इम्प्लिकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपको आंसर टर्म मिल रहे थे ना, ईच टर्म इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लिकेंट। क्लियर है अच्छे से प्राइम इम्प्लिकेंट। बट यहां पर सिर्फ हमें प्राइम इम्प्लिकेंट स्टडी नहीं करना, इसके टाइप्स स्टडी करने हैं। तो जो सबसे पहला आपका टाइप होता है वो होता है असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। तो असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट क्या होता है हमारा, असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट की मीनिंग होती है कि एक ऐसा सर्कल जिसमें कोई एक ऐसा वन हो, असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट मींस अ प्राइम इम्प्लिकेंट इन विच देयर इज वन वन, मींस एक ऐसा वन हो जो किसी और अदर प्राइम इम्प्लिकेंट से इन सर्कल ना हो, ठीक है। मैं इसको वापस से रिपीट करता हूं, एक ऐसा प्राइम इम्प्लिकेंट या एक ऐसा सर्कल जिसमें एक वन ऐसा हो, एटलीस्ट एक वन, ठीक है, अ प्राइम इम्प्लिकेंट और अ सर्कल इन विच देयर इज एटलीस्ट वन वन विच इज नॉट इन सर्कल्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लिकेंट, दैट इज कॉल्ड असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, ठीक है। अगर आप अभी नोट कर रहे हो तो आप यही स्टेटमेंट नोट कर सकते हो, और मैं अभी एग्जाम्पल लूंगा और उसके साथ आपको क्लियर करवाऊंगा इस स्टेटमेंट को, क्लियर। सो असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। नाउ सेकेंड जो हमें स्टडी करना है, वो हमें स्टडी करना है आज की क्लास में रिडंडेंट प्राइम इम्प्लिकेंट। अगेन इसकी भी आप डेफिनेशन सुन लो, नोट कर लो, इसके बाद मैं एग्जांपल एक साथ ही लूंगा सबके लिए। तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लिकेंट हमारा क्या होता है, अ प्राइम इम्प्लिकेंट इन विच एवरी वन मींस हर एक वन अ प्राइम इम्प्लिकेंट इन विच एवरी वन इज इनसर्कल्ड बाय एनी अदर असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट एटलीस्ट वन टाइम, मीन्स अ प्राइम इम्प्लिकेंट या एक ऐसा सर्कल जिसमें हर एक वन किसी अदर असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट से इनसर्कल्ड हो एटलीस्ट वन टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लिकेंट। So a prime implicant in which each one is encircled by any other essential prime implicant at least one time is called redundant prime implicant. और जो third होता है हमारा, वो हमारा होता है selective prime implicant. Selective prime implicant क्या होता है अभी के लिए आपके लिए, a prime implicant which is neither essential nor redundant, ठीक है, जो ना तो रिडंडेंट होता है ना ही एसेंशियल होता है। लेकिन अगर एक और डेफिनेशन दूं इसकी सेलेक्टिव की, तो अ प्राइम इम्प्लिकेंट फॉर विच मोर देन वन ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो अभी आप उस पॉइंट को समझोगे, जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना, तो आप सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लिकेंट बोलते हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके साथ आपको वापस से डेफिनेशन को रिपीट करते हुए क्लियर करवाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक के मैप आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूं, आप उसको देखो।
ठीक है, तो ये आपका एक के मैप है। इस के मैप में नो डाउट हमें सॉल्व तो करना ही है इस के मैप को, बट साथ ही साथ हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सेलेक्टिव प्राइम इंप्लिकेंट या असेंशियल या रिडंडेंट क्या क्या होते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू एटलीस्ट दो प्राइम इंप्लिकेंट आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अभी। तो मैं पहले बात करता हूं असेंशियल की। एक बात और बोलूंगा यहां पर आपको कि अगर आप ये असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट को समझ जाओगे ना, तो के मैप आपको नॉर्मली सॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्या होता है, कई बार आप जब के मैप सॉल्व करते हो तो एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और हम आंसर गलत लिख जाते हैं जब बहुत सारे वन हो स्पेशली। तो यहां पर सबसे पहले जब आप के मैप को सॉल्व करो, हमेशा असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट को सर्च करो। अब असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट है क्या, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऐसे वन सर्च करो, ऐसे वन सर्च करो जिनका सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, मतलब जिनके लिए सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता हो। सबसे पहले आप ऐसे वन सर्च करो, ठीक है। और अगर किसी को ऐसे वन मिल रहे हैं जिनका सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ऐसे वन सर्च करो जिनका सिर्फ एक ही ऑप्शन हो। किसी को कोई ऐसा वन दिख रहा है जिसका सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 सब नंबर लिखे हुए हैं, तो आप नंबर वाइज बता दो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें अवेलेबल वन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। किसी को भी ऑप्शन दिख रहा है ऐसा जहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, मींस एक ही सर्कल बनाया जा सकता हो, कोई भी एक ऐसा वन। तो अगर नहीं दिख रहा किसी को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप देखोगे 4, तो 4 जो है, 4 जो है उसके लिए सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है, 4 और 5 वाला। 4 के ना तो ऊपर कोई वन है, ना ही कोई नीचे वन है, और ना ही 4 के इस तरफ कोई वन है। तो 4 का सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो जिसका एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो पहले वैसे सर्कल बना लो। तो ये बहुत इजी था, इतनी क्लास पढ़ लेने के बाद दिखना चाहिए था सबको। उसके बाद 9 का अगर देखोगे तो 9 के ना तो लेफ्ट में है, ना तो राइट में है, ना ही, हां 9 के लिए अगर आप सर्च करोगे तो 9 के ऊपर है एक वन, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता था। तो इस वन की मैं पोजिशन चेंज कर देता हूं, ये मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। तो अब अगर आप 9 को देखोगे, 9 के ना तो लेफ्ट में है, ना तो राइट में है, और ना ही ऊपर है, ठीक है। मैंने 9 की पोजीशन चेंज कर दी है, 3 की पोजीशन मैंने चेंज कर दी है, 1 के 1 को मैंने 3 में लिख दिया है। तो 9 के लिए भी सिर्फ एक ही था आपके लिए, 9 और 13। अब अगर आप देखोगे 14 के लिए भी सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था आपके लिए, और अगर आप 3 को देखते हो तो 3 के लिए भी सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था। तो आपको सबसे पहले ऐसे इन सर्कल कर लेने हैं, ऐसे सर्कल बना लेने हैं जिनके सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो। तो ऐसे सर्कल बना लेने के बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो सारे के सारे वन ऑटोमेटिकली कवर हो चुके हैं। तो ऐसे वन सबसे पहले आपको सर्च करना है जिनके एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, उन्हें हम कहते हैं असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट। तो ये जो चारों के चारों सर्कल हैं वो कहलाते हैं असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट क्लास में या बीटेक से हम के मैप के बारे में क्या पढ़ते हैं, हम के मैप के बारे में ये पढ़ते हैं कि के मैप में आपको बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट देखते इसे बिना किसी कंसेप्ट के तो आप 5, 7, 13, 15 को इन सर्कल कर देते, ठीक है, क्योंकि वो 4 का सर्कल बन रहा था।
लेकिन 5, 7, 13, 15 को इंसर्कल करने के बाद भी आपको इस वन के लिए जो थ्री में अवेलेबल था ये सर्कल बनाना ही पड़ता, इस 14 के लिए ये सर्कल बनाना ही पड़ता, इस 9 के लिए भी ये सर्कल बनाना ही पड़ता और इस 4 के लिए भी ये सर्कल आपको बनाना ही पड़ता, ठीक है। तो आप चाहे मिडिल वे जो 4, 1 है उनके लिए सर्कल बनाओ चाहे ना बनाओ, आपको ये चार सर्कल हमेशा बनाने ही पड़ेंगे और इन चार सर्कल को बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सारे वन कवर हो गए हैं। तो जो आपका आंसर होगा यहां पर वो इन चार सर्कल के करस्पॉन्डिंग ही आपको मिल चुका है। तो आंसर हमारा क्या होगा इस फर्स्ट सर्कल के लिए, ए बार बी सी बार, देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ए बार सी डी, देन ए सी बार डी, देन ए बी सी। तो बेसिकली ये चारों के चारों जो टर्म मिले हैं ये चारों के चारों ही क्या कहलाएंगे, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, क्योंकि इनको बनाना कंपलसरी था। असेंशियल वर्ड का मतलब क्या है, ये आपके आंसर में होंगे ही होंगे, ठीक है। अब रिडंडेंट, रिडंडेंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी थी, रिडंडेंट की डेफिनेशन मैंने आपको यह दी थी कि ऐसा प्राइम इंप्लीकेंट, अगर आप देखो मैंने रेड में बनाया रिडंडेंट को, ऐसा प्राइम इंप्लीकेंट जिसमें हर एक वन, हर एक वन, यहां पर टोटल चार वन है तो हर एक वन एटलीस्ट एक बार इनसर्कल हो किसी और असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से। तो आप देखो जो फाइव वाला वन है वो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से इनसर्कल है, जो सेवन वाला वन है वो भी असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से इनसर्कल है, 13 वाला भी इन सर्कल है और 15 वाला भी इन सर्कल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, क्योंकि इसमें हर एक वन किसी असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से एक बार इन सर्कल जरूर है, ठीक है। तो हमने यहां पर दो प्राइम इंप्लीकेंट क्लियर कर लिए हैं, असेंशियल और रिडंडेंट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप के मैप के आंसर की बात करते हो तो आंसर में सिर्फ यही आएंगे, चारों के चारों असेंशियल, क्योंकि चारों के चारों असेंशियल बना लेने के बाद हमारा कोई भी वन बचा नहीं था जिसे हमें इनसर्कल करना था। लेकिन अगर आपसे के मैप का आंसर ना पूछे और ये पूछ ले कि रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा हो सकता है और आपको चार ऑप्शन दे दे, तो फिर एक ऑप्शन आपका ये देखो ट्रू होगा, ये जो चार वाला आपने बनाया है बी डी, ये जो चार वाला आपने रेड से बनाया है ये आपका कौन सा प्राइम इंप्लीकेंट है, रिडंडेंट है, क्लियर है। मतलब ये आपके आंसर में हो चाहे ना हो आपका आंसर कंप्लीट है, क्लियर है, क्योंकि असेंशियल बनाने पर ही आपके चारों के चारों असेंशियल बनाने पर ही आपके सारे के सारे वन क्या हो गए थे, कवर हो गए थे। सबको अच्छे से क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंशियल, ओके। नाउ एक और एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं आपके लिए, इससे आपको और ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। अब इसमें अगेन आपका जो पहला टारगेट होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप सबसे पहले असेंशियल को ही ढूंढोगे, मींस के मैप को सॉल्व करने का ही जो पहला टारगेट है आपका, अब वो ये है कि सबसे पहले वी हैव टू सर्च फॉर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। तो अब आप ढूंढो ऐसे वन जिनका कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो, जिनके लिए सिर्फ एक ही सर्कल का ऑप्शन अवेलेबल हो, ऐसे वन आप सर्च करो जिनके लिए सिर्फ एक ही सर्कल का ऑप्शन अवेलेबल हो। किसी को दिख रहा है ऐसा कोई वन जिसके लिए सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता हो, कोई भी ऐसा वन? ओके, 0, 10, यस गुड, 0 के लिए सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है ये वाला, वेरी गुड। 10 के लिए भी सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है ये वाला, वेरी गुड। 0 और 10 ऐसे दो पोजीशन है जिसमें प्रेजेंट वन के लिए सिर्फ एक एक ऑप्शन थे। आप देख सकते हो मींस
आपको ये दो सर्कल तो बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको के मैप को सॉल्व करना है. इसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल. तो आपका जो आंसर है उसमें इन दो सर्कल के रेस्पेक्ट में तो आंसर आएगा ही आएगा. मतलब क्या क्या आना चाहिए आपका, ए बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी, मतलब ये दो आंसर आपके फिक्स हैं. लेकिन पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंट कैसे है, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बनाने के बाद हमने टोटल फोर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बनाए थे, तो आफ्टर फोर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट आपका कोई भी वन बचा नहीं था जिसे हमें इनसर्कल करना था. लेकिन यहां पर दो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट थे सिर्फ और सिर्फ, उन दोनों को बना लेने के बाद अभी भी ऐसे वन बचे हैं जिन्हें इनसर्कल करना है. अब आपको यह भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो 5 पे 1 है, जो 13 पे 1 है, जो 15 पे 1 है, वो असेंशियल नहीं है. क्यों? क्योंकि 5 के लिए नीचे भी ऑप्शन अवेलेबल है और लेफ्ट में भी अवेलेबल है. आप देख सकते हो 13 में भी अवेलेबल है और 4 में भी. सिमिलरली 15 के लिए भी 13 में भी अवेलेबल है और 11 में भी. 13 के लिए भी देख सकते हो 5 में भी और 15 में भी. तो इन सब के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये असेंशियल नहीं होंगे. रिडंडेंट होने का क्वेश्चन नहीं उठता. क्यों? रिडंडेंट का क्या मीनिंग था, जब सारे के सारे वन इनसर्कल हो चुके हो एटलीस्ट एक बार एनी अदर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से, तो वो क्वेश्चन भी नहीं है. तो यहां पर जो अब अगला टॉपिक है हमारा, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट. तो सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, अब आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बोला था ब्रीफ में, जिनके लिए एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो वो कहलाते हैं सेलेक्टिव. तो अब यहां ध्यान से समझने वाली बात क्या है आपके लिए, देखो आप चाहते तो क्या कर सकते थे, देखो 5 और 4 को इनसर्कल कर सकते थे, जैसे अगर मैं इनको कर दूं 5 और 4 को, और 13 15 को कर सकते थे, तो आपका आंसर क्या होता 5 4 के लिए, ए बार बी सी बार, और 13 15 के लिए ए बी डी. बट हो सकता है किसी और स्टूडेंट को कुछ और मन करे करने का, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये जो दो टर्म है स्टार्ट के, ये तो असेंशियल है, ये जो दो टर्म है ये तो असेंशियल है, ये तो आंसर में रहेंगे ही रहेंगे. लेकिन यहां पर अगर आप बाकी की बात करोगे, जो 5, 13 और 15 थे, मैंने क्या किया 5 और 4 को ले लिया, 13 और 15 को ले लिया. अब मान लो किसी और स्टूडेंट का कुछ और मन करता, तो वो क्या कर सकता था, वो ये कर सकता था कि वो इस तरीके से ले सकता था, देखो इन दोनों को और इन दोनों को ले सकता था, ठीक है, तब भी आपका एक आंसर बन जाता. तो उसके केस में क्या बन जाता आंसर आपका, बी सी बार डी प्लस ए सी डी. और किसी और स्टूडेंट का मन करता तो वो क्या कर सकता था, इन दोनों को ले सकता था और इन दोनों को ले सकता था. मींस अलग अलग आंसर आपके बनते चले जाते, मींस आंसर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते, ठीक है. तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि के मैप को सॉल्व करने के लिए, चाहे आपसे प्राइम इंप्लीकेंट का क्वेश्चन पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आपको सबसे पहले असेंशियल सर्च करने हैं. असेंशियल सर्च करने के बाद आप सबसे पहले असेंशियल वाले टर्म लिख लो. हो सकता है असेंशियल वाले टर्म लिखने के बाद आपका के मैप कंप्लीट हो जाए, हो सकता है असेंशियल वाले टर्म लिखने के बाद के मैप कंप्लीट ना हो. जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में टोटल 4 असेंशियल वाले टर्म थे जिनको लिखने के बाद ही के मैप पूरा कंप्लीट हो गया था. लेकिन इस क्वेश्चन में आपके 2 असेंशियल वाले टर्म थे, एक ये वाला मींस एक 0 वाला था और एक 10 वाला. तो उन दो सर्कल को बनाने के बाद भी आपके 3-1 बच गए थे, तो फिर आपको उनके लिए सर्च करना था. तो आपने क्या देखा था, इन 3-1s के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो रहे थे. तो जब बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्हें हम कहते हैं सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट. यहां पर एक और पॉइंट है, अगर आपसे एग्जाम में यह पूछता कि नंबर ऑफ असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं, आंसर नहीं पूछता आपसे के मैप का, बस इतना पूछता नंबर ऑफ असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप आंसर देते 2. क्यों?
ये वाला और ये वाला, मींस जो आपने जीरो के लिए बनाया और टेन के लिए बनाया। लेकिन अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, के मैप का आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होता? कोई कर सकता है आंसर कि नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं? नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव मींस एक से ज्यादा ऑप्शन वाले, तो ऐसे कितने टर्म्स मिलेंगे हमें? नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट मींस जो आप सर्कल बनाते हो जिसके रेस्पेक्ट में आपको ये टर्म्स मिलते हैं, टू। ओके, रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है? जैसे मैंने बोला सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, मतलब प्राइम इंप्लीकेंट की मीनिंग मैंने आपको क्या बताई, हर एक सर्कल के रेस्पेक्ट में मिलने वाला आंसर। यहां पर आपसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं के मैप का वो आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं। तो सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट के लिए ऑप्शन कौन कौन से थे? देखो ये तीन वन थे टोटल, तो देखो आप एक बना सकते थे ये वाला, ठीक है ना, ये क्या था आपका 0, 1, 4, 5, 7, 12, 13, ठीक है। तो आप क्या बना सकते थे, एक आप बना सकते थे 5 और 4, एक ये बन जाता, एक 5 और 13 कितने बन जाते, 2, एक आपका बन जाता 13 और 15 कितने बन जाते आपके, 3, और एक बन जाता 15 और 11 कितने बनते आपके टोटल, 4। आप देखो फिर से, देखो ये जो 5 वाला 1 है उसका आप इसके साथ सर्कल बना सकते थे कितना बनता, 1, 5 का 13 के साथ बना सकते थे कितना बनता, 2, 13 का 15 के बाद बना सकते थे 3, और 15 का 11 के साथ कितने बन गए आपके, 4। तो यहां पर अगेन हर एक के मैप के आंसर में तो सिर्फ दो ही आएंगे, ये बिल्कुल सही है कि हर एक के मैप के आंसर में दो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट के अलावा दो और आएंगे टर्म जो सेलेक्टिव से मिलेंगे आपको। लेकिन मैं यहां पर पूछ रहा हूं टोटल सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने बन सकते हैं, तो एक ये वाला बन सकता है, देखो ये वाला, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4। रिडंडेंट कोई जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में मिले। रिडंडेंट का मतलब क्या है, सिंपली कि आप जब पूरा के मैप बना दो तो आप बिना किसी कारण के एक और एक्स्ट्रा सर्कल बना दो, वही है रिडंडेंट, कि आपने सारे के सारे इंसर्कलमेंट कर लिए और इन्हीं इंसर्कलमेंट में से एक सर्कल और बना दो, रिडंडेंट का कोई फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है। बट हां, सेलेक्टिव आप सर्च कर सकते हो, और असेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, असेंशियल, क्योंकि असेंशियल आपको के मैप सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा और असेंशियल बिल्कुल फिक्स है, क्लियर है सबको अच्छे से। तो ये हमारे होते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्राइम इंप्लीकेंट को ध्यान से समझो, कहीं कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो। यस, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि 2 out of 4, जब आप 4 सर्कल अगर एक साथ बना दो तो जो बाकी के दो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो एक टाइम पे आंसर में सिर्फ दो ही चाहिए थे ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये भी, ठीक है। तो अब रिडंडेंट का मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा टर्म जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना। POS फॉर्म की अगर हम बात करते हैं के मैप में, POS फॉर्म, तो POS फॉर्म बेसिकली आपका होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर आप के मैप की बात करते हो तो टू वेरिएबल ए बी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी POS में, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो जो ए है वो 0 या 1 हो सकता है, बी भी 0 या 1 हो सकता है। तो फर्स्ट बॉक्स क्या होगा, 0 0 मींस 0 0 1 1 1 0 2 1 1 3, तो काउंटिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बट हां, जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि जब आपको मैंने POS फॉर्म पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था 0 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मतलब वेरिएबल से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के बार से, ठीक है।
तो यहां पर जीरो में क्या लिखोगे आप, ए, वन में लिखोगे ए बार, बी बी बार, बस यही चेंज है। थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल के लिए सेम काउंटिंग, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ए बी सी, तो ए ए बार, ठीक है। अब एक और मेजर चेंज है, जैसे आपको पता है कि ये जीरो जीरो है, ये जीरो वन है, ये वन वन है, ये वन जीरो है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पीओएस में जो इंडिविजुअल टर्म होता है वो क्या होता है, सम टर्म होता है, और उनका आप क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो। जबकि एसओपी में इंडिविजुअल टर्म क्या था, प्रोडक्ट टर्म था, जिसका आप क्या करते थे, सम करते थे। तो पीओएस में जो इंडिविजुअल टर्म आपको मिलने वाला है वो सम टर्म मिलने वाला है। तो यहां पर जब दो वेरिएबल आएंगे ना, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो आप कि आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं लिखना, आपको सम के फॉर्म में लिखना है। जीरो जीरो दैट मीन्स बी प्लस सी, जीरो वन बी प्लस सी बार, वन वन बी बार प्लस सी बार, वन जीरो बी बार प्लस सी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ फोर वेरिएबल की अगर बात करते हैं, तो काउंटिंग सब कुछ सेम, बस जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोडक्ट टर्म की जगह आपका सम टर्म में हो जाएगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, देन सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई मेजर चेंज है नहीं। तो मैं यहां पर बस एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको शो कर देता हूं कि आंसर हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो फोर वेरिएबल का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पाई एम में ले लेते हैं, पाई एम 2, 3, 8, 9, 12, 14, 15, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास ऑप्शन और भी थे, पाई एम में दिया है तो आप चाहो तो डायरेक्टली सिग्मा एम में कन्वर्ट कर लो और एसओपी में ही सॉल्व कर लो। अगर आपको पीओएस में सॉल्व नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इन एसओपी, क्योंकि मैंने जब आपको एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म स्टडी करवाया था तो वहां पर आपको बताया था कि फाइनल मिनिमाइजेशन के बाद जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा सेम होता है। एसओपी और पीओएस जस्ट द रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, नथिंग एल्स। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लेकिन हां कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होता है तो हमें दोनों फॉर्मेट आने चाहिए। तो पाई एम में लिखा है, यहां पर आपको सिर्फ ये देखना होता है कि पाई एम के अंदर जो जो नंबर है उनके लिए आप क्या लिख दो, जीरो। तो टू पे जीरो, थ्री पे जीरो, एट नाइन, देन ट्वेल्व, देन फोर्टीन, देन फिफ्टीन। तो बस आपको जीरोस लिखने हैं, और यहां पर जिस तरीके से आप वन को इनसर्कल करते थे सेम प्रोसेस है, इनसर्कल के प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो देखो हम प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले असेंशियल को ढूंढो, भले हम यहां पर प्राइम इंप्लीकेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल के मैप को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले असेंशियल को ढूंढ के उनको लिख लो, क्योंकि फाइनल आंसर में असेंशियल वाले आएंगे ही आएंगे। तो कोई बता सकता है कि इसमें से कौन कौन से असेंशियल वाले हैं? असेंशियल मतलब जिनका और कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो, मतलब वो सर्कल आपको बनाना ही पड़े। तो ऐसा कोई जीरो ढूंढो जिसका कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ना हो। क्या कोई भी ऐसा जीरो है यहां पर कि सबके एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है? किसी को दिख पा रहा है? ओके, टू कॉमा थ्री, तो यस, टू का सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक्चुअली थ्री का भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वेरी गुड। उसके अलावा 15, अच्छा 12, 12 का देखें, 12 का तो 14 है और 8 भी है, 12 के तो ऑप्शन अवेलेबल है, 15, 15 का, यस वेरी गुड, 15 का सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, 14, वेरी गुड। 14 नहीं होगा, 14 कैसे होगा, 14 का 15 भी है, 14 का 12 भी है,
ऑल्दो आपने यहां सर्कल बना दिया, लेकिन वो सर्कल 14 के कारण नहीं बनाया आपने, वो सर्कल आपने बनाया 15 के कारण, क्योंकि 15 का सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल था और 1 में कुछ है ही नहीं, तो 1 क्यों लिख रहे हो? 1 पे कोई 0 है ही नहीं। ओके, और कुछ, और कोई ऐसा है जिस 9, गुड, 9 एक ऐसा है जिसका एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमेशा यही क्या करो, जिनके एक एक ऑप्शन अवेलेबल है उनको लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे सिर्फ बचा कौन सा, देखो सेलेक्ट असेंशियल कर लेने के बाद फायदा क्या होता है कि बहुत सारे जीरोस या वन जो है वो ऑटोमेटिक इनसर्कल हो जाते हैं, फिर कुछ ही रह जाते हैं। अगर यहां पर देखोगे सिर्फ एक जीरो रह गया, अब इस जीरो के लिए ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जीरो के लिए अगर आप देखोगे तो इस जीरो के लिए 14 भी ऑप्शन हो सकता है या 8 भी, तो इसे क्या बोलोगे? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा ऑप्शन, फिर वो आपके ऊपर है कि आप चाहो तो 8 के साथ कर दो, चाहो तो 14 के साथ कर दो, तो मैं 8 के साथ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो जैसे ये दो वन है, तो यहां पर भी रो वाइज कॉमन देखोगे और कॉलम वाइज, लेकिन यहां ना प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। तो रो वाइज क्या कॉमन है? ए प्लस बी। कॉलम वाइज क्या कॉमन है? सी बार। तो प्लस सी बार लिखना है, ठीक है। मतलब यहां पर जो ना हर एक सर्कल के रेस्पेक्ट में टर्म्स मिलेंगे ना, उनके अंदर सब वेरिएबल्स प्लस के फॉर्म में होंगे। अब जो टर्म मिलेगा ना वो अगले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी तो इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। मतलब हर एक टर्म सम टर्म होगा। अगला देखो इसको 15 14 को कितना हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। नेक्स्ट अगर देखोगे आप, नेक्स्ट आप देख सकते हो इसको 12 8 को कितना हो जाएगा? ए बार प्लस सी प्लस डी। और लास्ट अगर आप चाहो तो 8 9 को देख लो, ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो बस मुझे यही बताना था कि पीओएस में आप आंसर कैसे लिखते हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें कि इन सर्कल कैसे करते हैं, डोंट केयर क्या होती है, कितना वेरिएबल इन सर्कल करने से कितने, या कितने वंस इन सर्कल करने से कितने वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट है जो थोड़ा अलग है, जिसको आपको माइंड में रखना है पीओएस में, जो हमने आज की क्लास में स्टार्ट में पढ़ा है प्राइम इंप्लिकेंट्स, ठीक है। तो पीओएस में भी सेम कंसेप्ट है प्राइम इंप्लिकेंट का, लेकिन वर्ड चेंज है बस। तो वो वर्ड आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, अगर वो वर्ड यूज हुआ तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मेथड सेम है, बस वर्ड चेंज है। वर्ड में क्या चेंजेस है कि जैसे हमने एसओपी में पढ़ा था प्राइम इंप्लिकेंट, यहां पर यूज होता है वर्ड फॉल्स प्राइम इंप्लिकेंट, मतलब पीओएस के लिए फॉल्स सामने लगा देना। तो प्राइम वर्ड के सामने सिर्फ फॉल्स लगाना है, फॉल्स प्राइम इंप्लिकेंट। टाइप्स क्या क्या पढ़े थे? असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट, तो असेंशियल फॉल्स प्राइम इंप्लिकेंट, रिडंडेंट फॉल्स प्राइम इंप्लिकेंट, सेलेक्टिव फॉल्स प्राइम इंप्लिकेंट। मींस सिर्फ प्राइम वर्ड के सामने फॉल्स लग जाता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका के मैप यहां पर फिनिश होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, थ्रू आउट द सिलेबस के मैप अब यूज होने वाला है। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कॉम्बिनेशनल सर्किट में स्टडी किया था, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले थे डीकोडर, और डिकोडर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि अब से लेकर सारे टॉपिक के लिए हमें के मैप चाहिए, दैट्स व्हाई हमने बीच में के मैप स्टडी कर लिया। तो अब हम वापस आ जाते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालोगे अब डिकोडर, ठीक है। तो डिकोडर होता क्या है पहले आराम से समझ लेते हैं। देखो डिकोडर बहुत लेंथी होगा, लेकिन अगर आपने डिकोडर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो इनकोडर जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इनकोडर, वो बहुत ही छोटा होगा फिर। तो डिकोडर होता क्या है? डिकोडर में बहुत सारी आपकी इनपुट लाइंस होती हैं और बहुत सारे आपके आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो m इनपुट्स है, n आउटपुट है, तो आप नाम क्या दे देते हो? m क्रॉस n। तो पहले मैं आपको पूरी थ्योरी क्लियर करा देता हूं इसकी।
देखो डिकोडर में बेसिकली आपको ना दो टाइप्स पढ़ने हैं, दो क्लासिफिकेशन है बेसिकली। पहला है आपका एक्टिव हाई और दूसरा है एक्टिव लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्लास में, हम पूरा फोकस रखेंगे एक्टिव हाई पर, ठीक है। सारे के सारे वेरिएशंस पढ़ेंगे, सारे के सारे टाइप्स पढ़ेंगे एक्टिव हाई के अंदर। फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको ट्रिक सिखा दूंगा कि अगर आपको एक्टिव हाई अच्छे से आता है तो एक्टिव हाई के आंसर्स को एक्टिव लो में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिक सीखते ही फिर हम एक्टिव लो के भी क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो आप देखोगे कि एक्टिव हाई अगर आपने सीख लिया तो बाय डिफॉल्ट आपने एक्टिव लो भी सीख लिया, ठीक है। तो ये मैं करने वाला हूं डिकोडर के लिए। और यहां पर एक और पॉइंट है, एक्टिव हाई एक्टिव लो कैसे क्लास कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना स्टार्ट से ही। तो देखो डिकोडर को वर्क करने के लिए ना एक इनेबल इनपुट दिया जाता है, इनेबल, ठीक है। तो इनेबल बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि इनेबल जब आप दोगे तभी डिकोडर काम करेगा, नहीं दोगे तो नहीं काम करेगा। जस्ट लाइक अ सप्लाई, जैसे आप किसी डिवाइस को सप्लाई देते हो ना, वैसे यहां पर क्या होता है आपका इनेबल। तो एक्टिव हाई डिकोडर का मीनिंग क्या होता है कि इनेबल आपको हाई देना है तब डिकोडर काम करेगा। एक्टिव लो का क्या मतलब है, इनेबल आपको लो देना है तब डिकोडर काम करेगा। क्लियर है अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। एक्टिव हाई का मतलब है कि इनेबल आपको क्या देना है, हाई, ठीक है। और एक्टिव लो का क्या मतलब है, इनेबल आपको क्या देना है, लो। मैं बात कर रहा हूं डिकोडर कब वर्क करेगा, तो एक्टिव हाई में हाई इनेबल के लिए और एक्टिव लो में लो इनेबल के लिए। क्लियर है। नाउ जैसे मैंने बोला कि एक्टिव हाई को ही हम टारगेट करेंगे, उसी को डिटेल में पढ़ेंगे और एक्टिव लो की ट्रिक सीखेंगे। तो एक्टिव हाई में भी हमें दो टाइप के डिकोडर स्टडी करने हैं। तो एक स्टडी करना है हमें प्योर बाइनरी, एक हमारा होगा प्योर बाइनरी और एक हमारा होगा नॉन बाइनरी, ठीक है। प्योर बाइनरी एंड नॉन बाइनरी। अब ये प्योर बाइनरी क्या होता है और ये नॉन बाइनरी क्या होता है, तो इस पॉइंट को भी समझो। मैंने क्या बोला, डिकोडर में m इनपुट्स है, n आउटपुट्स है। तो अगर आपका जो आउटपुट है वो 2 की पावर m के इक्वल होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि मान लो अगर आपके पास दो इनपुट हैं तो आउटपुट होने चाहिए 4, 2 x 4 डिकोडर बन जाएगा। आपके पास अगर 3 इनपुट्स है तो आउटपुट्स क्या होने चाहिए, 2 की पावर 3 मींस 8, तो 3 x 8 बन जाएगा। अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो आउटपुट कितने हो जाएंगे, 16, तो 4 x 16। तो अगर आपका n जो है मतलब आउटपुट्स है वो 2 की पावर m मतलब 2 की पावर अगर इनपुट्स हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्योर बाइनरी। नाउ नॉन बाइनरी का क्या मतलब होता है, सिंपली इक्वल ना हो, आउटपुट जो हो वो 2 की पावर m के इक्वल ना हो। बेसिकली नॉन बाइनरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्योर बाइनरी जो है वो काफी इजी होता है, जो प्योर बाइनरी है बहुत इजी है, उसमें से क्वेश्चंस भी कम आते हैं। नॉन बाइनरी इंपॉर्टेंट होगा, नॉन बाइनरी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉन बाइनरी के जो सबसे फेमस एग्जांपल हैं वो है 4 x 10। 4 x 10 का मतलब क्या है, 4 इनपुट हैं तो 16 आउटपुट होने चाहिए थे प्योर बाइनरी में, लेकिन सिर्फ 10 आउटपुट्स हैं, ठीक है। और एक और बहुत फेमस पढ़ेंगे, BCD-7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये भी आपका नॉन बाइनरी है। तो बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें वन बाय वन। अभी के लिए आई थिंक क्लियर होगा प्योर बाइनरी क्या है और नॉन बाइनरी क्या है, क्लियर। नाउ अब हम यहां पर स्टार्ट लेंगे सबसे मिनिमम पॉसिबल डिकोडर से, प्योर बाइनरी पहले स्टडी करेंगे ताकि आप डिकोडर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओ, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग। तो जो सबसे मिनिमम पॉसिबल डिकोडर आपका होता है, ध्यान रखना हम लोग एक्टिव हाई पढ़ रहे हैं, एक्टिव हाई सबसे मिनिमम पॉसिबल डिकोडर होता है 2 x 4। सबसे मिनिमम क्यों होता है ये, इससे मिनिमम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 2 x 4 की जगह 1 ले लो, 1 x 2 ले लो, ठीक है ना। प्योर बाइनरी की अगर बात करूं तो 2 x 4 है, तो इससे मिनिमम क्या हो सकता था, 1 x 2। अगर आप 1 x 2 लेते
तो वो फिर डी मल्टीप्लेक्सर बन जाता, क्योंकि डी मल्टीप्लेक्सर अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, डी मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता था और एक से ज्यादा आउटपुट होते थे. दैट्स व्हाई मिनिमम पॉसिबल डिकोडर जो है वो 2x4 है. ये हमें माइंड में रखना है. नाउ यहां पर इनपुट्स मैंने लिए हैं ए और बी, आउटपुट्स लिए हैं y0, y1, y2, y3. एग्जाम में जब भी ए और बी जब इस तरीके के इनपुट्स या आउटपुट्स यूज करता है तो आपको बता देता है कि एमएसबी किसे लेना है और एलएसबी किसे लेना है. तो यहां पर जैसे मैं ए को ले रहा हूं एमएसबी, और जब भी लाइक y0, y1, y2, y3 या i0, i1, i2, i3 इस तरीके से यूज करेगा तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है. जो y3 वाला है वो सबसे एमएसबी वाला आउटपुट होगा, सबसे बड़ा वाला आउटपुट होगा. ठीक है, तो अब आप देखो एमएसबी का मतलब क्या है. बेसिकली ट्रुथ टेबल में पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है. 00011011. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इनेबल. इनेबल मैंने क्या कहा कि इनेबल हाई होना चाहिए एक्टिव हाई के लिए. इनेबल जब तक हाई नहीं होगा एक्टिव हाई के लिए डिकोडर वर्क नहीं करेगा. तो यहां पर अगर मैं इनेबल जीरो ले लेता हूं, सपोज करो एक्टिव हाई है मेरा लेकिन मैंने इनेबल जीरो ले लिया, अगर आपका इनेबल जीरो हो गया तो आपका डिकोडर वर्क नहीं करेगा. वर्क नहीं करेगा मतलब क्या है, देखो आपने स्विच ऑन ही नहीं किया, ठीक है, किसी डिवाइस का, तो डिवाइस ऑन ही नहीं हुआ. जब ऑन ही नहीं हुआ तो आप इनपुट कहां से दोगे, लॉजिक क्लियर है, तो आप इनपुट नहीं दे सकते. मींस क्रॉस क्रॉस आप इनपुट नहीं दे सकते. लेकिन अगर आपका इनेबल वन है तो आप इनपुट दे सकते हो. फिर ए और बी है तो ए और बी के लिए कितने इनपुट हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 पॉसिबल, 00011011. अब देखो डिकोडर है क्या, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, पहले तो एक बात समझ लो कि जब इनपुट नहीं दे सकते हो तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट आप क्या लेते हो, ऑल जीरोस, ठीक है, मीन सारे के सारे जीरोस हैं जब आपने कोई इनपुट नहीं दिया. लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं डिकोडर है क्या, तो आप सारा ट्रुथ टेबल बड़े आराम से समझ जाओगे. देखो डिकोडर, डिकोड मींस डिकोडर ऐसा चीज है जो डिकोड कर रहा है. डिकोड किसको करेगा, किसी कोड को ही तो डिकोड करेगा. इसका मतलब क्या है कि ट्रुथ टेबल के इनपुट साइड जो ए और बी आपने लिखा है वो क्या है, कोई कोड्स है. मीन्स 00011011 कोई कोड्स है, और जो आउटपुट्स हैं y0, y1, y2, y3 वो उसके डिकोडेड वर्जन है. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जब आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो सबके रोल नंबर होते हैं जब अटेंडेंस होती है, तो ठीक है मान लो टोटल सिर्फ 4 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने रोल नंबर बोला 00, तो जिसका रोल नंबर 00 होगा वो हाथ उठाएगा, ठीक है, तो मेरा जो स्टूडेंट y0 है उसका रोल नंबर क्या है, 00 है, तो वो हाथ उठा लेगा, ठीक है, हाथ उठाएगा मतलब वो 1 होगा. ऑब्वियस सी बात है कि जब 0 हाथ उठाएगा क्योंकि उसका रोल नंबर 00 था, तो y0 जब हाथ उठाएगा तो बाकी सब हाथ नहीं उठाएंगे, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, 0. नाउ 01 जो रोल नंबर है वो y1 का है, तो सिर्फ y1 हाथ उठाएगा. 10 किसका है, y2 का है, और 11 किसका है, y3 का है. लॉजिक क्लियर है, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि एक बार में सिर्फ एक ही आउटपुट हाई होगा, क्योंकि जब आप अटेंडेंस भी देते हो जिसका रोल नंबर होता है वही हाथ उठाता है, अनलेस अदरवाइज कोई स्टूडेंट अब्सेंट हो और 3 से 4 बच्चे उसकी प्रॉक्सी लगा रहे हो, ठीक है ना, अलग अलग दोस्तों को वो बोल दिया हो. पर आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में सिर्फ यही हो सकता है कि जिसका रोल नंबर बोला जाएगा सिर्फ वो हाथ उठाएगा, तो बस यही है. यहां पर क्लियर है सबको अच्छे से ना, यहां पर ये सब तभी हो सकता है सारी की सारी चीजें जब इनेबल क्या हो, आपका 1 हो, ठीक है, तो वो तो कंडीशन है ही. तो अब अगर आप देखते हो जब इनेबल 1 है, जब आप इनपुट दे सकते हो, तो 00 जब इनपुट आपने दिया तो आंसर क्या आया, y0. तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली अब हमें हर एक किसी का इक्वेशन लिखना है, y0 का, y1 का, y2 का और y3 का. तो y0 का इक्वेशन क्या होगा, देखो आप सर्च करो y0 किस पोजीशन पर 1 है,
देखो y0 सिर्फ एक ही पोजीशन पर 1 है, तो उसके रेस्पेक्ट में a और b क्या है, 0 0, मतलब क्या हो जाएगा, SOP फॉर्म में लिखना है आपको बाय डिफॉल्ट, a बार b बार, y1 जहां पर 1 है कितना हो जाएगा a बार b, y2 a b बार, y3 a b, देख सकते हो y3 कब 1 था, जब a और b दोनों 1 1 थे। और वैसे भी एक बात अगर आपको मैं क्लियरली समझाऊं, तो प्योर बाइनरी के लिए स्पेशली आपको ट्रुथ टेबल बना के एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना है, वो तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमें समझना है इसलिए हमने बनाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 2x4 प्योर बाइनरी वाले को, तो y0, y1, y2, y3 चार आउटपुट आपको लिखने थे, y0 0 0 मींस 0 0 मींस a बार b बार, y1 1 1 मींस 0 1 a बार b, y2 2 मींस 1 0 a b बार, y3 3 मींस 1 1 a b, सिर्फ गिनती लिख दो, ठीक है ना। और हमें पता ही है जो आउटपुट होते हैं वो इनपुट वेरिएबल्स के टर्म में ही लिखे जाते हैं, और बाय डिफॉल्ट आपको एसओपी फॉर्म ही लिखना है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो ये था आपका 2x4 डिकोडर। अब मान लो कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं यहां पर कि रिलाइज हाफ एडर यूजिंग 2x4 डिकोडर, रिलाइज हाफ एडर यूजिंग 2x4 डिकोडर, तो कैसे रिलाइज कर सकते हैं हम लोग? कोई बता सकता है कि 2x4 डिकोडर से हाफ एडर कैसे रिलाइज करेंगे हम लोग? 2x4 डिकोडर से हाफ एडर, 2x4 डिकोडर से हाफ एडर कैसे रिलाइज कर सकते हैं? तो हाफ एडर पहले आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होनी चाहिए। हाफ एडर का सम क्या था हमारा, ए एक्सोर बी, और कैरी क्या थी हाफ एडर की, ए इंटू बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कैरी है आपकी वो आपको डायरेक्टली यहां पर मिल रही है ए इंटू बी, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करना था। लेकिन अगर आप इसको देखोगे सम को, तो सम क्या था, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी का फॉर्मूला क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो खुद माइंड लगाओ कि अगर आप y1 और y2 को एक्सोर करोगे तो कैसे ए एक्सोर बी आएगा, क्योंकि y1 तो आपका a बार b है और y2 ab बार है, तो a बार b और ab बार का एक्सोर थोड़ी ना करोगे, a बार b और ab बार को ऐड करोगे तब वो a एक्सोर b होगा। तो y1 और y2 दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आ जाएगा a एक्सोर b, जो कि क्या है आपका सम है, क्योंकि आपको सम आउटपुट a एक्सोर b जनरेट करना है, ठीक है, और जो कैरी आउटपुट जनरेट करना है वो ab, तो ab डायरेक्ट था। a एक्सोर b का क्या मतलब होता है, a बार b प्लस ab बार, तो बीच में आपको प्लस करना है दोनों को, मतलब और ऑपरेशन। क्लियर? सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि 2x4 डिकोडर और एक और गेट आपको चाहिए हाफ एडर को रिलाइज करने के लिए। क्लियर है अच्छे से? तो 1 2x4 डिकोडर एंड 1 और गेट। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्योर बाइनरी का, फिर हम नॉन बाइनरी की तरफ मूव करेंगे। देखो अब आपको ट्रूथ टेबल बना के टाइम पास नहीं करना है डायरेक्टली। अब आपको पता है 3x8 का क्या मतलब है, 3 इनपुट्स 8 आउटपुट्स, तो आपको करना क्या है बेसिकली पता है, 3 इनपुट्स है ए बी सी वाई जीरो, बस गिनती आनी चाहिए, 0 मीन 0 0 0, तो क्या हो जाएगा a बार b बार c बार, 1 मीन 0 0 1 a बार b बार c, 2 मीन्स 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 double 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1। तो बस अगर आपको गिनती आती है तो डिकोडर के आउटपुट लिखने में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको क्लियर है अच्छे से? नाउ ये जो हम लोगों ने 3x8 डिकोडर डिजाइन किया है,
क्या कोई बता सकता है कि फुल एडर कैसे रियलाइज कर सकते हैं वाया यूजिंग 3x8 डिकोडर? फुल एडर क्या क्या चाहिए हमें? अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी प्रीवियस क्लासेस को, तो एटलीस्ट आपको सम आउटपुट तो याद होता, सम आउटपुट के लिए हमें क्या करना चाहिए था, एटलीस्ट आपको यह याद होना चाहिए था, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार बोला है, एटलीस्ट 2-3 क्लासेस में आपको बोला हुआ है सम आउटपुट। किसी को याद है सम आउटपुट के लिए क्या करना चाहिए हमें? सम आउटपुट था हमारा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सम ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कितनी बार बोला होगा, और जिन क्लासेस से बोला है वहां पर भी 10-10 टाइम्स बोला होगा हर क्लास में, 1247 1247। तो सम आउटपुट क्या था आपका? 1, 2, 4 और 7, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है, 1247 आपको बोला है ना याद करने के लिए कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो है 1, 2, 4, 7 होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको? 1, 2, 4, 7 सबको क्या करना है? और तो क्या आ जाएगा आपका? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। आप चाहो तो फुल एडर का ऑपरेशन भी सर्च कर सकते हो जो हम लोगों ने स्टडी किया था। नाउ कैरी के लिए क्या था, किसी को याद है? कैरी, या याद नहीं है तो स्पीड से कैलकुलेट करके बताओ कैरी कहां कहां पर वन थी। देखो डिकोडर है क्या, डिकोडर आपको यह बता रहा है कि 000 इनपुट देने पर Y0 हाई हो रहा है, 001 देने पर Y1 हाई हो रहा है। तो अब आप देख लो फुल एडर में कैरी कहां कहां पर हाई थी, सम कहां कहां पर हाई था। तो जैसे अगर आप एक फुल एडर का ट्रूथ टेबल साइड में बना लो फटाफट, जो जो कि अब आपको आना चाहिए क्योंकि आपने स्टडी कर रखा है, तो सम और कैरी 00101010010101011, तो इतनी ही स्पीड से आपका ट्रूथ टेबल बन जाना चाहिए। उसके बाद देखो अगर आप डिकोडर का ऑपरेशन समझ गए होते तो आप ये आंसर कभी नहीं लिखते ए बी प्लस सी ए एक्सॉर बी। अगर आप डिकोडर का ऑपरेशन समझ गए होते तो आपका आंसर यही होता 3567। डिकोडर कहीं भी आपको कैलकुलेशन करने की कोई नीड ही नहीं है, डिकोडर में आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहा है कि जहां जहां पर हाई है सिर्फ उसको और कर दो। देख सकते हो जो कैरी है हमारी 3x1 है, 5 पे 6 पे और 7 पे, और जब आप इसका इक्वेशन लिखते तो एसओपी फॉर्म में अगर लिखते तो क्या करते, कैरी को ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, आपने लिखा भी यही था, मतलब आप सब टर्म को प्लस करते हो एसओपी में। प्लस के लिए हमें क्या चाहिए? और गेट चाहिए। तो फिर यह आंसर आ जाता 3, 5, 6 और 7, ये आपका क्या बन जाता? कैरी। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका कि एक फुल एडर के लिए हमें चाहिए एक 3x8 डिकोडर एंड 2 और गेट्स। क्लियर? तो ये आपको चाहिए एक फुल एडर के लिए। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो फुल सबट्रैक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो, हाफ सबट्रैक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ये जैसा मैंने आपको बताया कि प्योर बाइनरी डिकोडर्स जो हैं वो बहुत इजी हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ आपको गिनती आनी चाहिए। जो मेन हमें स्टडी करना है वो करना है नॉन बाइनरी, ठीक है? तो नॉन बाइनरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 4x10, इसको आप थ्योरिकली बोलते हो बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, बीसीडी टू डेसिमल। अभी तक हम लोगों ने बीसीडी स्टडी नहीं किया, आई थिंक बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी,
बेसिकली बीसीडी होता क्या है, देखो बीसीडी मीन्स 0 से 9 तक, ठीक है। जब आप 0 से 9 तक इनपुट कॉम्बिनेशन लिखते हो, मतलब टोटल 10 इनपुट कॉम्बिनेशन, तो जो आपको आउटपुट मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, 10। तो इसी कारण उसका नाम क्या है, डेसिमल। डेसिमल मीन्स 10 आउटपुट्स। जहां तक क्वेश्चन है बीसीडी का, बीसीडी हम लोग जब हम लोग नंबर सिस्टम और कोडिंग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि 4 वेरिएबल्स होंगे इनपुट साइड में और आपको सिर्फ 0 से 9 तक लिखना होता है। जब आप 0 से 9 तक लिखते हो तो वो कहलाता है बीसीडी, 4 × 10। तो ए बी सी डी 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर 9 तक। और इसके रेस्पेक्ट में आपको टोटल 10 आउटपुट्स मिलेंगे, Y9 से लेकर Y0 तक, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 आउटपुट्स होंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 4 वेरिएबल्स है तो टोटल काउंटिंग कहां तक लिखी जा सकती थी, 0000 से 1111 तक। तो आपने सिर्फ 0 से 9 तक लिखा, लिखी जा सकती थी 0 से 15 तक। इसका मतलब क्या है कि जो 10 to 15 है, जो 10 to 15 है वो आपका क्या है, यहां पर 6 कॉम्बिनेशन टोटल इनवैलिड है, वो आपको यूज नहीं करने हैं। नाउ आउटपुट लिखने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है। मीनिंग क्या है इस पॉइंट की, मीनिंग ये है कि आपको सिर्फ गिनती के बेस पे लिखना है। 0000 मतलब क्या होता है, 0, तो आप Y0 को हाई कर दो और बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके लो, ठीक है। 00001 तो किसको हाई कर दोगे, Y1 को। अप टू 1001 मींस 9 तो किसको हाई कर दोगे, Y9 को, बाकी सबको 0। तो आप चाहो तो ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर सकते हो, 1000 मतलब 8 तो किसको हाई कर दोगे, Y8 को, बाकी सबको 0। क्लियर हो गया अच्छे से। तो फिर आप ये सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका नॉन बाइनरी है, इसमें ऐसा क्या अलग है, हमने तो बिल्कुल सेम लिखा जैसा हम अभी तक लिखते आए हैं। तो अब ध्यान से आप समझो और आप मुझे बताओ कि Y9 का इक्वेशन आप क्या लिखोगे, Y9 का जो मेथड बताया हूं उसी मेथड से अभी आपको बोलना है, कुछ नया नहीं है। आप सिर्फ मुझे बताओ Y9 कहां पर वन होगा, सिर्फ और सिर्फ 1001 पे, क्लियर है। उसके अलावा Y9 क्या होगा आपका, 0 होगा। तो बताओ Y9, सिर्फ और सिर्फ Y9 का इक्वेशन बोलना है आपको और किसी का नहीं, ओनली Y9। तो क्या होगा हमारा Y9 का इक्वेशन, Y9 जैसा प्रोसेस बताया हूं उसी प्रोसेस से ही बोलना है, कुछ नया नहीं बोलना अभी आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कहां पर वन है, जैसा आपने अभी 2 × 4 और 3 × 8 में आंसर लिखा था। Y9 का आंसर क्या होगा, A B बार C बार D, ठीक है। तो ये आपका Y9 का आंसर होता, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इजी था, इतना टाइम नहीं ले सकते हो। तो Y9 का आंसर ये होता, Y8 का क्या हो जाता, A बार A B बार C बार D बार, ये आपको डायरेक्टली दिखता है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, वैसे आपने सही लिखा है लेकिन स्टिल रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहां पर आप 10 टू 15 तक के कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे हो। अभी अभी जो हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है के मैप, तो के मैप में मैंने आपको क्या पढ़ाया, के मैप में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको कोई भी आउटपुट को मिनिमाइज करना है तो आप के मैप बनाते हो। के मैप के
जो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं या के मैप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनपुट वेरिएबल्स होते हैं. मीन्स जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया वाई ब्रैकेट पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी थे क्या? वो थे इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है ना. वाई क्या था? आउटपुट्स था. तो आपने के मैप में जो वेरिएबल्स यूज किए वो कौन से यूज किए? इनपुट वेरिएबल्स. बट के मैप में अगर कोई कॉम्बिनेशन इनपुट वेरिएबल्स के लिए डोंट केयर है या इनवैलिड है तो उसका यूज भी मैंने आपको सिखाया हुआ है. अगर कोई कॉम्बिनेशन इनवैलिड नहीं है तब तो आंसर आपका यही आता जो आपने बोला है नाइन के लिए, ए बी बार सी बार डी. लेकिन अगर कोई डोंट केयर है तो हो सकता है कि उस डोंट केयर के कारण आपका बड़ा सर्कल बन जाए. तो अगर मैं वाई नाइन का एग्जाम्पल लू, ऑल दो आपको सभी के लिए आउटपुट निकालना चाहिए, लेकिन क्लास में अगर हम एक दो आउटपुट का एग्जाम्पल ले लें इंडिविजुअली वाई नाइन वाई एट, तो आप देखो किस तरीके से आपका आंसर चेंज हो जाएगा. ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी, आपका टोटल चार वेरिएबल का ही है, ठीक है. तो यहां पर आप देखोगे अगर तो वाई नाइन के लिए वन कहां पर है आपका? वाई नाइन के लिए वन है आपका नाइन पर, ये दिख रहा है हमको, ठीक है. अगर आप नॉर्मली देखो तो एक ही वन है. अगर आप इसे सर्कल करते हो सिर्फ एक वन को तो आंसर क्या आएगा? रो वाइज क्या कॉमन है आपका? ए बी बार. कॉलम वाइज क्या कॉमन है? सी बार डी. तो आंसर आ जाएगा ए बी बार सी बार डी, जो आपने लिखा भी है. तो अगर कोई डोंट केयर नहीं होता, इसका मतलब अगर आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते पूरे 15 तक तो कोई डोंट केयर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है. तब आप डायरेक्टली ट्रुथ टेबल को देख के आंसर बोल दो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर कहीं डोंट केयर आ रही है किसी भी टॉपिक में, अगर आपको डोंट केयर दिख जाती है तो डायरेक्ट आंसर बोलने की गलती कभी मत करना एग्जाम में, हमेशा गलत होगा. अब देखो आपको पता है यहां पर डोंट केयर कहां से कहां तक थी, 10 to 15. तो हमेशा के मैप से ही सॉल्व करना, इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रख लो. तो 10 टू 15 यहां पर क्या था? डोंट केयर. और इस डोंट केयर के कारण जो वाई नाइन है उसके लिए एक फोर का सर्कल बन गया आपका, और इस फोर के सर्कल बन जाने के कारण जो वाई नाइन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए रो वाइज और डी कॉलम वाइज, ए डी, ठीक है. तो जो आपने आंसर लिखा वो वैसे ठीक है ए बी बार सी बार डी, लेकिन एग्जाम में आपको सबसे मिनिमाइज्ड आंसर लिखना है, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अब से लेकर, अब से क्या, अगर कोई पुराने टॉपिक में भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जब भी आप ट्रुथ टेबल का यूज करके किसी आउटपुट का आंसर लिखने जा रहे हो एसओपी फॉर्म में, तो डायरेक्ट आंसर तभी लिखना जब कोई डोंट केयर ना हो. मींस अगर दो वेरिएबल हैं तो चारों के चारों कॉम्बिनेशन लिखे हों, चार वेरिएबल हैं तो पूरे 16 के 16 कॉम्बिनेशन लिखे हों. लेकिन अगर कोई डोंट केयर है, मतलब जैसे यहां पर चार वेरिएबल थे और टोटल सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन लिखे थे, 0 से 9, 10 to 15 नहीं लिखा था, तब आप हमेशा के मैप के थ्रू आंसर बोलो. क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप Y9 निकाल सकते हो, Y8, Y7, Y6. एक बात और है इंपॉर्टेंट, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक आंसर आपका चेंज हो. हो सकता है कुछ आंसर सेम रह जाएं. जैसे कि अगर आप Y0 की बात करते हो, यस इफ A इज हाई एंड D इज हाई देन इट मींस 9. मिनिमाइज्ड इक्वेशन इज AD. A इज हाई एंड D इज हाई. क्योंकि ये भी सोचो ना, अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो के मैप ने जो आपको मिनिमाइज्ड इक्वेशन दिया है, आप खुद सोचो कि ये जो आपके 10 कॉम्बिनेशन है उसमें ए और डी जो हैं वो कब हाई हो रहे हैं? दोनों एक साथ सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के लिए हाई हो रहे हैं, वाई नाइन. देख लो 0 0 0 0 0, ए और डी एक साथ हाई नहीं है. पूरा 8 तक चेक करो, कहीं पर भी ए और डी एक साथ हाई नहीं है, लेकिन 9 पे ए और डी एक साथ हाई है. ठीक है, ऐसा क्यों लिख पाए ए और डी? क्योंकि 10 11 12 13 14 15 आपने नहीं लिखा. अगर आप बात करते हो 10
10 की तो वो 1010 होता है, उसमें चलो ए और डी हाई नहीं है, लेकिन अगर आप 11 की बात करते हो 11 होता है 1011, उसमें भी तो ए और डी एक साथ हाई है, तब ए और डी आप नहीं लिख सकते थे Y9 के लिए क्योंकि वो Y11 के लिए भी होता, ठीक है, तब आपका आंसर अलग होता। लेकिन अभी चूंकि 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ही नहीं, तो अगर आप 0 से 9 तक के पूरे कॉम्बिनेशन देखो तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के लिए ए और डी हाई है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? Y9, क्लियर। और अगर आप इतना नहीं सोच पाओगे एग्जाम में या नहीं सोचना चाहते हो तो डायरेक्ट आप के मैप बनाओ, के मैप से आपका आंसर आ जाएगा, डोंट केयर। हां, जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ आंसर हो सकता है चेंज ना भी हो, जैसे जीरो का आंसर आप देखो, जीरो का अगर आप डायरेक्ट देखते हो वाई जीरो का, तो वाई जीरो का डायरेक्ट आंसर क्या होगा? देखो वाई जीरो सिर्फ कहां वन है, जीरो 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 पर, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। अगर मैं इसी ग्राफ में देखूं तो वाई जीरो के लिए अगर ट्रुथ टेबल का यूज करके अगर के मैप बनाते हो तो वाई जीरो सिर्फ जीरो पर वन है, दिख रहा है? तो आप अब देखोगे जीरो पर अगर वन होगा तो इसके लिए कोई सर्कल नहीं बन रहा है, देख लो, अगर सिर्फ जीरो पर वन होगा ना तो उसके लेफ्ट में वन है, ना ही उसके नीचे वन है, ना ही इस तरफ वन है, और ना ही सबसे नीचे एट पर वन है। तो अगर जीरो पर वन होता मींस वाई जीरो, तो उसका कहीं और इनसर्कल नहीं कर पाते आप, मींस डोंट केयर का कोई फायदा आपको नहीं मिल पाता, तब आपका आंसर ए बार, बी बार, सी बार, डी बार ही रहता। लेकिन कुछ आंसर ऐसे होंगे जो चेंज हो जाएंगे, तो आपको रिस्क कभी नहीं लेना है, आपको हमेशा जब भी डोंट केयर हो के मैप बनाना है। और अगर डोंट केयर ना भी हो और अगर बहुत बड़ा ट्रुथ टेबल है तब भी आप के मैप बना सकते हो, के मैप सबसे अच्छा टूल है, के मैप आपको फुल एंड फाइनल आंसर देता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मींस इनपुट फिर से आपका बीसीडी होगा, इनपुट फिर से बीसीडी होगा, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये क्या होता है इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी एक तरह का डिकोडर है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम रियल लाइफ में देखते हैं इसे, किसी को पता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहां यूज होता है, या कोई भी नॉलेज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कैसा दिखता है, कैसा बनता है, इसे आप रियल लाइफ में हमेशा देखते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले। किसी को नहीं पता? देखो ये दिखता है जस्ट आपका 8 के जैसा, ठीक है, इसका यूज तो एक्चुअल में हर जगह है, जहां भी आप डिजिटली नंबर शो कर रहे हो, डिजिटल वॉच हो गया, लिफ्ट हो गया, ठीक है ना, तो 8। तो यहां पर मैं कुछ नाम दे देता हूं हर एक लाइन को। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का क्या मतलब होता है, आप इससे 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब का सब डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे 1 डिस्प्ले कराना है तो पहले 0 करा लेते हैं, 0 आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 आपका ऐसा बन जाता है, सब का सब आपको इसी जो फर्स्ट फिगर है उसी का यूज करके बनाना है। 2 अगर आप 3 की बात करते हो तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, 4 5 6 7 8 तो ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास, और 9, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, स्कोरबोर्ड भी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 ओरिजिनल है आपका। बाकी जैसे यहां पर जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, वो सब में आएंगे, मैंने बार बार लिखे नहीं है, वो आप लोग अब अपने नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें लिख सकते हो। लाइक 0 में क्या आएगा, जी को छोड़कर बाकी सब आएगा। हाँ, कंफ्यूजन जो होता है वो सिर्फ 1 के लिए होता है, क्योंकि 1 के लिए दो ऑप्शन है, एक ये भी है ए और बी, और एक ए भी है ई और डी। तो मैं आपको बता दूं जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती हैं,
वो राइट वाला फॉलो करती है, ए और बी, ठीक है। तो वन के लिए ए और बी, ठीक है। तो ये आपका होता है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। यहां पर हमें करना क्या है बेसिकली, यहां पर देखो आपको ना ये जो ए बी सी डी ई एफ जी हैं, यही बेसिकली आपके आउटपुट्स होते हैं ट्रुथ टेबल के, आपको इन्हीं के लिए आउटपुट इक्वेशन लिखने होते हैं। तो ये जो ट्रुथ टेबल का आउटपुट होता है ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जैसे आपको 0000 डिस्प्ले करना है मान लो, तो 0000 पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 0000 मींस 0, तो 0 में आप चेक कर लो कि ए बी सी डी ई एफ जी में से कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन अब्सेंट है। जो जो प्रेजेंट है ना उसको आप कर दो 1, जो अब्सेंट है उसको आप कर दो 0, बस बहुत इजी है। तो 0 में आप देखो जी को छोड़कर बाकी सब प्रेजेंट है, तो जी को छोड़कर बाकी सब को आप 1 कर दोगे, ठीक है, क्लियर। 1 को देखो, 1 में ए और बी को छोड़कर बाकी सब अब्सेंट है, सिर्फ ए और बी प्रेजेंट है 1 में। अगर आप 2 को देखते हो, 2 को देखो क्या क्या अब्सेंट है, एक तो ये लाइन अब्सेंट है मतलब ई, और एक आपका अब्सेंट है बी, तो 2 में आपका बी और ई दोनों अब्सेंट है। आप भी अपने आप से बना सकते हो इसको, बनाते चलो, बी और ई आपका अब्सेंट है, थ्री में देखो ई और डी अब्सेंट है, डी ई, फोर में आपका अब्सेंट है या प्रेजेंट देख लो, प्रेजेंट ई जी ए बी, ए बी ई जी प्रेजेंट है 4 में, ए बी ई और जी। अगर आप 5 में देखते हो तो 5 में आपके क्या क्या, हाँ 5 में अब्सेंट देख लो, कम अब्सेंट है आपके ए अब्सेंट है और डी, 5 में ए और डी अब्सेंट है, सिक्स्थ में एक ही अब्सेंट है आपका ए, सेवंथ में आपके प्रेजेंट देख सकते हो एफ ए बी प्रेजेंट है, और 8 में तो सब प्रेजेंट होंगे हमें पता ही है, और 9 में एक ही अब्सेंट है डी। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, क्लियर है सबको अच्छे से। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब हमें बस यही करना है कि इस वाले टॉपिक के लिए, दैट मींस बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के लिए जो आपके आउटपुट्स हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी हैं, ठीक है। तो बस आपको सबके सब आउटपुट के लिए के मैप्स बना लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लास में हम किसी एक या दो आउटपुट के लिए के मैप बना लेते हैं, के मैप तो हम प्रैक्टिस बहुत बार कर ही चुके हैं, और बाकी के जो बच जाएंगे, जैसे टोटल आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आउटपुट्स हैं, तो बाकी जो 5 6 बच जाएंगे वो आप घर में प्रैक्टिस करो, उससे आपके के मैप की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो मैं आपको 1 से 2 के मैप यहां बना के दिखा देता हूं। तो आप अगर सर्च करोगे तो आउटपुट ए आपका कहां कहां पर 1 है, 0 पर 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर, बस 5 और 6 पे 0 है, फिर 7 8 9 पे फिर से 1 है। तो 5 और 6 को छोड़कर बाकी सब पे आपका क्या है, 1 है 9 तक, ठीक है। और हमें पता ही है कि इनपुट आपके क्या है, बी सी डी, ठीक है। तो आपके जो 10 to 15 होंगे, वो आपके क्या होंगे, डोंट केयर, ठीक है। तो जो क्लियरिटी है वो
अभी नहीं मिल रही है कि पहले से नहीं क्लियर हो रही थी वीडियो? ये बता दो, ए का जो के मैप है वो बना सकते हो? तो जस्ट मैं ए का के मैप बता देता हूं, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर देता हूं, ठीक है? जस्ट मैं ए का के मैप बता देता हूं, फिर बाकी बी सी डी ई एफ जी का के मैप आप लोगों के लिए वैसे ही होमवर्क होने वाला है, ठीक है ना? जैसे हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा एक्चुअल में, ओके? नाउ तो ए का के मैप बताओ, अगेन अगर प्रैक्टिस करें हम लोग तो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट सबसे पहले आप सर्च कर लो, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, के मैप ऐसा कुछ है नहीं। तो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा होगा? देखो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, जस्ट प्रैक्टिस के लिए सोच लो, आप बताओ असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कौन से नंबर पे होना चाहिए? मतलब ऐसा सर्कल जो 100% होगा, 4, ओके 4 के लिए, यस 4 के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वेरी गुड। उसके अलावा कोई और असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा? 9 है एक्चुअल में। क्यों है? क्योंकि 9 अगर आप दो दो करके देख रहे हो तब तो आप रॉन्ग देख रहे हो, क्योंकि 9 के लिए 8 भी है और 9 के लिए भी 1 भी है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, पहली बात तो 7 तो है, 100% बिल्कुल करेक्ट है, 7 तो है, लेकिन 9 इसलिए असेंशियल है, इस बात को समझना जरूरी है कि आपको बड़े से बड़े सर्कल के बारे में सोचना है। असेंशियल तो देखना ही है, लेकिन असेंशियल बड़ा सर्कल, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, इसलिए मैंने ए का सॉल्यूशन किया। देखो ये जो 9 है ना, उसका जो सबसे बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है वो सिर्फ एक है, 9810, ठीक है? तो एक्चुअल में यहां पर सारे के सारे असेंशियल होंगे। क्यों? ये जो 2 वाला है उसका भी सबसे बड़ा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये 4 वाला है आपका, आप देख सकते हो ये जो टोटल 4 है, ठीक है? तो असेंशियल वाला कंसेप्ट माइंड में रखो, साथ ही साथ जो आपने बेसिक पढ़ा है के मैप का उसको माइंड में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? तो घर में बी सी डी ई एफ जी इन सब की भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? बड़े आराम से आप फिनिश कर सकते हो इन चीजों को। मैं आपको अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताऊंगा, दैट इज एक्टिव हाई। अगर हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी हम हायर ऑर्डर डिकोडर भी पढ़ेंगे यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर, बट एक्टिव हाई जो हम लोगों ने स्टडी किया है अभी, तो एक्टिव लो में आंसर आप कैसे लिख सकते हो, ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूं बस आज, ठीक है? फिर हम एंड कर लेंगे। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको एक्टिव हाई और एक्टिव लो का ट्रिक समझ में आ जाएगा। मान लो आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ए प्लस बी बार सी, ठीक है? ए प्लस बी बार सी ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें ना हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक्टिव हाई से जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलाइज करना है। फिर क्या करेंगे हम, सेम को ना एक्टिव लो से रिलाइज कर देंगे, जिससे हमें ट्रिक समझ में आएगी। बेसिकली एक्टिव हाई और एक्टिव लो के बीच की ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले हम एक्टिव हाई से रिलाइज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने फुल एडर को किया था रिलाइज, वैसे ये भी एक इक्वेशन ही है, इसको रिलाइज करना है। तो कोई बता सकता है कि एक्टिव हाई जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ एक्टिव हाई, कोई बता सकता है कि कैसे रिलाइज करना चाहिए हमें? मींस पहला स्टेप क्या होगा, कौन सा डिकोडर यूज करेंगे? सबसे पहले ये बताओ कौन सा डिकोडर यूज होगा यहां पर, कौन सा डिकोडर? देखो कितने वेरिएबल्स हैं, इन सब से आप चेक कर सकते हो कौन सा डिकोडर हमें यूज करना चाहिए, सबसे अप्रोप्रिएट डिकोडर कौन सा होगा यहां पर? किसी को दिख रहा है? एक्टिव हाई ही करना है, सबसे अप्रोप्रिएट डिकोडर कौन सा होगा इस इक्वेशन को रिलाइज करने के लिए? 3x8, वेरी गुड, 3x8 ही होगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, ठीक है? अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए, देखो अगर आप 3x8 के बारे में सोचते हो, ऑब्वियसली बात है कि 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है?
तो अगर आप 3x8 के आउटपुट को याद करो तो क्या था, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी 101, फिर क्या था 110, फिर 111, ये आपका आउटपुट था, ठीक है 3x8 का। तो अब इन आउटपुट्स को देख के ही दिमाग लगाओ कि सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए हमें, ये जो इक्वेशन दिया है उसके साथ। अगर आप सारे आउटपुट्स को देखोगे ना तो सारे के सारे आउटपुट Y0 से Y7 तक सारे के सारे आपके जो हैं वो हैं आपके कैनोनिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले आप अगर अपने इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका काम जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो इनेबल वाला कंसेप्ट आप बता रहे हो वो भी किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी ये अप्रोच फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्टिव लो की ट्रिक भी बतानी है आपको। बाकी मैं एक आध अप्रोच ये भी लूंगा आगे जाकर आने वाली क्लासेस में जहां पर इनेबल को आप कोई वेरिएबल दोगे, ठीक है। अभी नॉर्मली इनेबल इज इनेबल जिसको आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो कैनोनिकल फॉर्म में। तो कैनोनिकल फॉर्म में मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था, एसओपी फॉर्म कैनोनिकल क्या था। अगर आप ए को देखोगे तो ए में क्या क्या गायब है, बी और सी, तो क्या समझाया था कि बी प्लस बी बार करो, सी प्लस सी बार करो। बी बार सी में क्या गायब है आपका, ए प्लस ए बार करोगे तभी आपका ए आ जाएगा। अब अगर आप देखते हो तो कितना होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, ठीक है। तो क्या कोई टर्म रिपीट हो रहा है यहां पर, यस ये टर्म रिपीट हो रहा है। तो टोटल आपके 5 टर्म्स आ जाएंगे, ऐसा मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है जहां पर 5 मिनिमल टर्म हमें मिले थे, ठीक है। तो 5 टर्म्स आपके आ गए, कौन कौन सा आ रहा है, एक ए बी सी आ रहा है मीन्स ये हो गया, एक क्या आ रहा है आपका ए बी सी बार मीन्स ये एक हो गया, एक आ रहा है ए बी बार सी ये एक हो गया, एक आ रहा है ए बी बार सी बार और एक आ रहा है ए बार बी बार सी मीन्स ये हो गया। ये सब क्या हो रहे हैं आपके एड। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, और ऑपरेशन। तो इस तरह से डिकोडर के थ्रू किसी भी इक्वेशन को रियलाइज किया जाता है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके। यहां पर मेरा जो एम है इस क्वेश्चन को लेने का वो है आपको ये सिखाना कि एक्टिव हाई जो अभी हम यूज कर रहे हैं, अगर सेम इक्वेशन हमें एक्टिव लो से रियलाइज करना होता, यही सेम इक्वेशन ए प्लस बी बार सी, लेकिन डिकोडर अवेलेबल होता है एक्टिव लो, तो हम कैसे करते। तो एक्टिव लो के बारे में कुछ चीजें अब आप समझ लो। देखो अगर सेम क्वेश्चन एक्टिव लो से आपको रियलाइज करना होता तो सबसे पहले एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको एक सर्कल दिख जाएगा। सर्कल का मीनिंग यही है कि आपको इनेबल को लो देना है, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है एक्टिव लो की। अब अगर मैं बात करता हूं आउटपुट्स की, तो जो एक्टिव लो के आउटपुट्स होते हैं ना, इसी कारण आपको ट्रिक वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर आप एक्टिव हाई सीख गए तो एक्टिव लो भी सीख गए। कैसे, यहां पर भी आपके पूरे के पूरे सर्कल्स होते हैं। सर्कल्स होते हैं मतलब एक्टिव हाई में जो आउटपुट मिलता है ना वही आपको एक्टिव लो में भी मिलेगा, बट बार के साथ। हर एक आउटपुट को सिर्फ खोल बार कर दो, ये होता है आपका एक्टिव लो का आउटपुट। हर एक को आप क्या कर दो, होल बार, ठीक है। नो डाउट यहां पर भी अगर देखोगे हर एक आउटपुट में तीनों के तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। इसका मतलब जिस भी इक्वेशन को रियलाइज करना है आपको सबसे पहले उसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब कोई बता सकता है कि एक्टिव हाई जब था तो हमने सबको ऐड कर दिया, मतलब और गेट लगाया था, एक्टिव लो में आउटपुट्स इस तरीके से मिल रहे हैं तो मैं क्या यूज करूं कि मेरा यही आंसर वापस से मुझे मिल जाए, कोई बता सकता है। ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं एक बार क्या, काफी बार हमने स्टडी किया है, तो क्या यूज करूं,
बात यहां फॉर्म की नहीं है, क्या डिवाइस, क्या गेट, कौन सा गेट यूज करूं, कौन सा डिवाइस यूज करूं, ये आउटपुट्स है मेरे पास। मैं इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना चाहता, इक्वेशन मेरा यही है। अब आप बताओ कौन सा डिवाइस मैं यूज करूं कि ये सेम इक्वेशन मैं रियलाइज कर पाऊं। जैसा मैंने बोला एक्टिव हाई से जो रियलाइज कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट में आप एक्टिव लो से भी रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऐसा लॉजिक गेट यूज करूं जिससे मेरा आंसर सेम आ जाए, सोच के देखो। मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब एक्टिव हाई था, एक्टिव हाई में आपको ये क्या मिल रहा था, ए इंटू बी इंटू सी, उसके ऊपर वाला क्या मिल रहा था, ए इंटू बी इंटू सी बार, मतलब सभी के सभी क्या मिल रहे थे आपको, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एंड, सभी के सभी आपको एंड के फॉर्म में मिल रहे थे, और उन सब का आपने क्या किया, और किया, मतलब एंड और रियलाइजेशन। मैंने आपको पढ़ाया था एंड और रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप एक्टिव लो को देखते हो तो सभी के सभी आपको किस फॉर्म में मिल रहे हैं, ए इंटू बी इंटू सी का होल बार, मतलब नैंड के फॉर्म में मिल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन फिर नैंड। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एंड और रियलाइजेशन इज इक्वल टू नैंड, नैंड रियलाइजेशन। तो एक स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था नैंड। तो एक्चुअल में ना तो आपको किसी की पोजीशन चेंज करनी है, ना ही आपको इन इक्वेशन चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस और गेट की जगह नैंड गेट लगा देना है। तो अगर आप नैंड करके देख लो, ये सारे आपको बार के फॉर्म में मिल रहे थे, नैंड करते तो क्या होता, हर एक टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता और होल बार होता। जब होल बार होता, होल बार को आप ओपन करते डी मॉर्गन से, तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट होता प्लस में, और जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनके बार होते, पहले से बार था तो बार का बार कैंसल हो जाता और आपको सेम आंसर मिल जाता, ठीक है। तो याद रखना है एंड और रियलाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू नैंड, नैंड रियलाइजेशन। तो एक्टिव हाई अगर आपने सीख लिया है तो एक्चुअल में आपने एक्टिव लो भी सीख लिया है, एक्टिव लो के आउटपुट सिर्फ इस फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। तो पूरा फोकस आपको एक्टिव हाई में रखना है। अब इसके बाद डिकोडर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, हायर ऑर्डर डिकोडर यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। ये टॉपिक आपने मक्स में भी पढ़ा था, लेकिन डिकोडर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिकोडर भी फिनिश करेंगे और इनकोडर भी, और साथ ही साथ सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।